एयर इंडिया कर्मचारी की पिटाई के मामले में चौतरफा घिरे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में उनकी पार्टी खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना ने गायकवाड़ के हवाई सफर पर एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस की तरफ से बैन लगाने का विरोध किया है और सांसद के समर्थन में उस्मानाबाद में बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते आज सभी दुकानें बाजार बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बंद को देखते हुए कई संस्थानों पर भी ताला लटका हुआ है। वहीं ओमेरगा में भी शिवसेना समर्थकों ने गायकवाड़ के पक्ष में बाइक रैली निकाली। दूसरी तरफ अब पार्टी तमाम एयरलाइंस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। शिवसेना नेता आनंद राव अत्सूल का कहना है कि एयरलाइंस की ओर से लगाया गया बैन सही नहीं है, साथ ही उन्होंने एयर इंडिया और इंडिगो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि गायकवाड़ एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिजनेस की जगह इकोनॉमी क्लास में बिठा दिया गया। इससे नाराज गायकवाड़ ने शिकायत करते हुए कहा कि वे फ्लाइट से तभी उतरेंगे जब विमानन मंत्री आकर उनसे मिलेंगे। स्टाफ की गायकवाड़ से कहा सुनी हो गई और हालात ऐसे हो गए कि गायकवाड़ ने क्रू मेंबर सुकुमार को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्टाफ के साथ इस तरह के व्यवहार से एयर इंडिया ऐसा नाराज हुआ कि गायकवाड़ पर बैन लगा दिया गया और वे अब कभी हवाई सफर नहीं कर पाएंगे। तो शिवसेना अपने चप्पल मार सांसद के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। हालांकि इससे पहले माना जा रहा था कि पार्टी गायकवाड़ को चेतावनी दे सकती है, लेकिन इसके उलट पार्टी गायकवाड़ के समर्थन में उतर आई है। देखते रहिए डीबी लाइव।